आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सिंगिंग सुपरस्टार सीजन 2 के आप विनर हो चुके हैं इतने कम उम्र में, 14 साल की उम्र में इतना बड़ा नाम बनाना, किस तरह से जर्नी रही बताना चाहोगे? जर्नी बहुत अच्छी थी, उतार चढ़ाव भी थे, मज़ा बहुत आया और बहुत मज़ा आया, यही है कि मज़ेदार थी, कभी भी बोर नहीं हुआ और हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता था, हर हफ्ते कुछ नया मिलता था और इतने अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे, और गाने का मौका मिला और इतने बड़े बड़े लोगों के सामने गाने का मौका मिला, उनके साथ में गाने का मौका मिला, तो बहुत अच्छी जर्नी थी। जब आप रियलिटी शो में गए तो किस तरह का रिस्पांस आता था घर वालों की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से? रियलिटी शो के अंदर एक्चुअली मैं थोड़ा सबसे आइसोलेटेड था, फैमिली से बात करता था बस, और जो शो के अंदर थे ताकि फोकस जो है वो फोकस मेरा सिंगिंग पे रहे, इसीलिए। इसके अलावा किस तरह से अपने करियर की शुरुआत हुई एंड कुछ बताना चाहोगे कि स्टार्टिंग में किसने आपकी मदद की एज अ सिंगर बनने में एंड किसको देख के आप बड़े हुए? मेरे नाना जी उस्ताद शेखुर खान साहब, मैं उनसे हमारे ब्लड में म्यूजिक आया और मैं सिंगर बना। बहुत छोटा था मैं, सिर्फ गुनगुनाता था ऐसे छोटे मोटे गाने इतना मुझे नहीं पता था कि मैं शो में जाऊँगा या कुछ ऐसा होगा, तो नाना जी मुझ पे बहुत प्राउड फील करते थे। नाना जी ने मेरा, नाना जी के एक शागिर्द हैं, उनका नाम है प्रताप सिंह जी, नाम लेना चाहूँगा, उनके पास कॉल आया था सारे गाँव पास से कि कोई अगर आपके पास है, आपके गुरु जी के पास तैयार हुए हुए तो बताइए, तो उन्होंने मेरा नाम दिया। जिस तरह आपने ट्रॉफी जीती, काफी मैं देख रहा था काफी इमोशनल थे आपके परिवार वाले, उसके बाद किस तरह से पार्टी हुई एंड आपके कितने सारे सबसे अच्छे दोस्त बने, हिमेश सर से आपने कॉलैब भी किया, बट अगर आप बताना चाहोगे कि सबसे अच्छी दोस्ती आपकी किसकी थी ऑन सेट? सबसे थी मेरी तो, क्योंकि हम सब साथ में बैठे थे, तो अगर मैं एक जोक मार रहा हूँ तो मैं इसको भी बताऊँगा और इधर जो जितर एंड तक बैठे हैं ना सबको बताऊँगा जहाँ जाकर कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो सबसे दोस्ती थी और अभी भी सबसे बात होती है, बट प्रांजल से थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रांजल के साथ अगर कोई कॉलैब करना चाहे कोई भी गाने कर रहे हैं, अगर इसके अलावा कोई भी रिमिक्स गाने की मैं चर्चा करूँ, काफ़ी ज़्यादा रिमिक्स किया आजकल ट्रेंड पे है रिमिक्स, अगर कोई रिमिक्स गाने किशोरदा का, वो हम दोनों अभी हमने कुछ नया ट्राई किया, उसमें उसने फोक गाया है, मैंने उसका हिंदी वर्जन लिख के गाया है और फिर हुक लाइन आता है, तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, एक दो दिन में ही मिल जाएगा। और बात करें जब आप रियलिटी शो से बाहर निकले तो इंडस्ट्री से किस तरह का रिस्पांस आया, कुछ बताना चाहोगे, ऑफर वगैरह कुछ आए? जी अभी बहुत चीज़ें हो रही है, बहुत चीज़ों के बारे में बातचीत हो रही है और क्वेरीज आ रही हैं, कुछ कह नहीं सकते, बहुत चीज़ें हो सकती हैं बड़ी बड़ी। बात करें सिंगिंग की तो जब सिंगिंग शुरुआत करते हैं सिंगर लोग तो किसी ना किसी को गुरु मान के चलते हैं, तो आप किसी को गुरु माने हो? मेरे नाना जी मेरे पहले गुरु जी हैं जी, और फिर इंस्पिरेशन अरिजीत सिंह। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आपके सभी गाने आप ट्राई करते हो, फोक हो गए, रैप हो गया, क्लासिकल हो गया, सबसे ज़्यादा पसंद क्या है आपको और सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है आपको? डिफ़िकल्ट तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये चीज़ आप सुन के नहीं कर सकते, वो है क्लासिकल। क्लासिकल आप कभी भी सुनकर नहीं कर सकते, बॉलीवुड गाने आप सुनकर दो मिनट में एकदम कर सकते हो, लेकिन क्लासिकल में टाइम लगता है। इन क्लासिकल की जो रिहर्सल्स रहते हैं, प्रैक्टिस रहते हैं, जिसे हम रियाज कहते हैं, किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो, कोई आपकी मदद करता है? आप नाना जी की आप बात की, नाना जी का कितना इम्पैक्ट था आपके लाइफ में? नाना जी बहुत जॉयफुल आदमी थे एकदम, हमेशा इंजॉय करते थे लाइफ को और मुझे बहुत प्यार से रखते थे, कभी भी कोई चीज़ आती थी जैसे आइसक्रीम का कुछ आता था या पानी पूरी का कुछ आता था या जो भी आता था मूंगफली वगैरह सब मैं खाता था, कुछ भी खाली नहीं जाता था, और सिर्फ मैं नहीं पूरी गली के बच्चों को खिलाता था। कभी उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि पानी पूरी खाना एज अ सिंगर बहुत काफ़ी रेयरली लोग खाते क्योंकि उनसे गले में प्रॉब्लम होती है, कभी उन्होंने रोका आपकी स्टार्टिंग एज में या फिर कोई भी? ये चीज़ मैं नाना जी से ही सीखा हूँ कि नाना जी भी सब खाते हैं उन्हीं से ये चीज़ आई है कि
उन्होंने वो हमेशा कहते हैं कि शिर्क नहीं करना कभी भी। yes. जो लोग सोचते हैं कि मेरा ये खाने से गला बैठेगा तो वो बैठेगा, ऑफ कोर्स बैठेगा। mm-hmm. आपने ब्रेन में माइंडसेट बना रखा है अपने ब्रेन में, तो बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। okay. मैं सब खाता हूँ, मैं आइसक्रीम खाता हूँ, मैं ठंडा पानी पीता हूँ, मैं पानी पूरी खाता हूँ, जो है सब, और जो जितनी बुरी चीज़ें हैं वो मुझे अच्छे तरीके से मेरे लिए यूज़ होती है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे मेरा गला बैठ भी जाता है कभी कभी। एंड पवनदीप की मैं बात करूँ, उन काफ़ी डिफरेंट जोन में गाते हैं, उनका जो सिंगिंग है उनसे कितना इंस्पायर होते हो आप? पवन भैया भी बहुत क्लोज है मेरे। yes. बहुत अच्छे भैया हैं, और वो भी कंपोज करते हैं, मैं भी कंपोज करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, मैं भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, तो ऐसे वाइब मैच करती है, तो हम लोग बैठते हैं तो बहुत देर तक म्यूजिक की बातें करते हैं। आपके कैप्टन की मैं बात करूँ, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आप इंस्पायर, एंड उनकी जो जिस तरह उनका जो कोलैब होता है पवनदीप के साथ, काफ़ी काफ़ी लोगों को पसंद आता है। अब लोग चाहते हैं कि आप तीनों को कोलैब करो कोई गाने में, अगर कोई भी मौका मिला तो किस तरह से आप देखोगे उस सॉन्ग को? ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि तीनों को करना होगा तो कैसे होगा, देखते हैं इसका भी कुछ। और अगर आप लोगों को देखना है ये बारे में, तो आप लोग प्लीज़ अरुणिता दीदी, पवन भैया को भी ये चीज़ बोलिए। और अरुणिता दीदी ने तो बोला भी था फिनाले के बाद कि होगा, अगर मैं कुछ बनाऊंगा उनके लिए तो वो ज़रूर करेंगे, तो होप है जल्दी yes. कुछ करेंगे। नेक्स्ट महीने ही आपका बर्थडे होगा एंड 15 साल आपको याद है? 15 साल के आप हो जाओगे। अगर मैं 5 साल आगे की मैं बात करूं, जिस तरह हम कुछ फ्यूचर प्लान करते हैं, मैं कुछ फ्यूचर प्लान करता हूं 5 साल होगी, 5 साल के बाद यू विल बी 20, क्या है बकेट लिस्ट में अगर कुछ अगर ड्रीम करके रखोगे, क्योंकि ये जो पीरियड होगा 15 साल के बाद 20 साल तक यू विल बी 20, जो 5 साल में बात करूँगा वो आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट साल रहेगा। जी। एक ट्रॉफी आपने ऑलरेडी जीत चुके हो, कोई ऐसे शो में जाना पसंद करोगे कोई भी, या फिर इंटरनेशनल जाओगे, कुछ भी आपने प्लान किया है? बकेट लिस्ट की मैं बात करूँ तो आपकी क्या है बकेट लिस्ट? ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ग्लोबल स्टार बनूँ इन 5 सालों के अंदर। yes. और जैसे सिर्फ इंडिया तक सीमित ना रहूँ मैं, जैसे जस्टिन बीबर जी हैं। yes. और जितने आप देखोगे पॉप स्टार्स हैं आजकल के, जो पॉप सिंगर्स हैं वो अलग ही लेवल पे जा चुके हैं। मतलब आप उनका अगर फैन फॉलोइंग देखोगे, अगर आपको काउंट करने के लिए सोशल मीडिया एक जरिया है, तो आपको देखेंगे 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं। yes. इंडिया में किसी सिंगर के नहीं है। नहीं है, वो प्रेजेंटेबल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि लोग उस लेवल पर मुझे पसंद करें, और इंडिविजुअल भी काम करना चाहूँगा बहुत सारा, और मूवीज में गाना चाहूंगा। ऑफ कोर्स कौन नहीं गाना चाहेगा। किसके लिए गाना चाहोगे मूवीज में, कोई ऐसे एक्टर के लिए अगर कुछ जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे, कोई ऐसे कलाकार सुपरस्टार, या फिर कोई शाहरुख जी हो गए, बिल्कुल सभी के फेवरेट शाहरुख खान, उनके लिए अगर कोई गाना गाना चाहोगे तो कौन सा ऐसा गाना है जो गाना फिर से रिक्रिएट गाना उनके लिए गाना चाहोगे? मैंने तो ये सोच रखा है मुझे किसी को छोड़ना नहीं है। कोई भी सारे स्टार्स के लिए मैं गाना गाना चाहता हूँ। सबसे पहले किसके लिए गाना चाहोगे? ये कभी सोचा नहीं है, एक बार शुरुआत हो जाती है उसके बाद तो बस भगवान चाहेंगे तो बहुत सारे आएंगे। बट हाँ, सीरियसली शाहरुख खान जी का, सलमान खान जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इन दोनों के लिए गाना चाहूँगा। सलमान सर के लिए एकदम मोटिवेशनल गाना गाना चाहूँगा, और शाहरुख सर के लिए रोमांटिक गाना गाना चाहूँगा। तो इसके अलावा जैसे आपने कहा कि ग्लोबल स्टार बनना चाहते हो, तो अभी जो है RRR ने ग्लोबल ग्लोब अवार्ड जीता है, तो उसको लेकर एज अ सिंगर कितना प्राउड फील होता है? बहुत। विशाल मिश्रा जी का म्यूजिक है बहुत, उन्होंने क्या कमाल गाया नाटू नाटू, नाटू नाटू को और RRR को जो अवार्ड मिला है ना, तो अभी इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। फर्स्ट टाइम नॉमिनेशन भी हुआ ग्लोब अवार्ड्स में, और फर्स्ट टाइम अवार्ड भी मिला है। और सच्ची में मूवी बहुत हिट है, मैंने देखी है 2-4 बार देखी है मूवी, और पूरा जो एल्बम है बहुत अच्छा है, और मैं तो ये दुआ करूँगा ऑस्कर भी मिले। मिलेगा। और ग्रैमी भी मिले, सब मिलेगा। इंडिया आप कहीं से पीछे नहीं रहेगा। 26 जनवरी आ रहा है, जी इंडिया के नाम पे कोई दो लाइन, कोई ऐसा दो देश के लिए, जनता के लिए जो आपको प्यार करती है। जी। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी,
जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे मातरम। 2022 की मैं बात करूं, काफी कमाल का साल आपके लिए बीता और अंत में तो ट्रॉफी आपके नाम हुई 2022। 2023 अब शुरुआती दिनों में है, 2023 को लेके एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, 2023 को किस तरह से देख रहे हो और किस तरह से प्रोफेशनल वाइज भी देख रहे हो, आप अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हो और आने वाले समय में क्या कुछ आपके नए प्रोजेक्ट आने वाले? प्रोजेक्ट्स आप दुआ कीजिए बहुत सारे आएंगे और अभी तो 3 महीने हुए शो को ख़त्म हुए, तो अभी धीरे धीरे आएंगे जैसे आएंगे। और खुद से भी काम कर रहा हूँ, खुद पे बहुत काम करना है अभी, खुद को और बेहतर बनाना है, मेहनत करनी है और खुद के प्रोजेक्ट्स भी आप सभी को सुनाना है, क्योंकि मुझे पता है इंडिया की जनता जो है उनको बहुत पसंद है ओरिजिनल सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच। रिसेंट सॉन्ग मेरा 12-13 दिन पहले आया था। तू जो मुझे ना मिली तो बर्बाद खुद को करूंगा, हो जाऊंगा मैं तबाह पर जिद ना मैं ये छोड़ूंगा, तेरे बिना मैं जी ना सकूंगा, दर्द जुदाई सह ना सकूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।